स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के टोटल 20 प्रश्न लगा चुके हैं और आज हमें उसी के आगे अपने 21 नंबर से स्टार्ट करना है। तो चलिए बिना कोई देर के हम लोग आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया, यानी 6 वर्ष के लिए लिया है और 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है। तो अगर हम टोटल ब्याज यहाँ यहीं से निकालना चाहें, आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल ब्याज निकालना चाहें तो 6 और 5 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5=30% हो जाएगा। तो परसेंटेज में जो टोटल ब्याज होगा वो 30% होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अदा किया गया कुल ब्याज, ये ब्याज रुपये में दिया गया है, 615 रुपये उसने ब्याज के रूप में दिए हों, तो मूलधन ज्ञात करिए। ये सारे प्रश्न हम लोग परसेंटेज के तरीके से लगा रहे हैं और आपको मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा 100% होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, अपने तरीके से कर देते हैं। 615 रुपया आपकी ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है, ये क्या दिया गया है, ब्याज, ब्याज का प्रतिशत कितना होगा 30। तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका जितना प्रतिशत होता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो हमें निकालना होता है। निकालना क्या है, मूलधन, मूलधन का परसेंटेज कितना होता है 100%, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये परसेंटेज वाले निशान परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का इसमें आपको भाग करना है, तो 3×2=0 और 3×5=15 और ये वाला 0 पीछे रहेगा, तो 20/50 आपका आंसर आ जाएगा। 20/50 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो कुछ नहीं करना, बस 2 लाइन लिख के आपको आंसर निकाल देना है और बाकी इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप साधारण सा फार्मूला लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% की दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। यहाँ पर जो 1000 रुपया आपको दिया गया है वो आपका मिश्रधन दिया गया है, यानी 1000 रुपया हो जाता है, ये आपका मिश्रधन दिया गया है, ठीक है। अब पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज हमें मिल कितना रहा है, टोटल कुल ब्याज हमें कितना मिल रहा है। तो कुल ब्याज निकालने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसका टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, समय कितना होता है 9 महीने, तो 9 महीने में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो ब्याज की दर है वो किस में है, वार्षिक में है, समय किस में है, महीने में है, तो जो टोटल ब्याज होता है वो हमेशा वर्ष में ही निकल के आता है। तो ये जो 9 महीना है इसको आप वर्ष बनाएंगे, इसको साल बनाएंगे, तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी 12 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो ये पूरा हो जाएगा वार्षिक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4×2=8 और 4×3=12 और 3×3=9 और 3×2 में मल्टीप्लाई होगा, 3×2=6%। तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। मिश्रधन कितना है, 1000 रुपया आपको दिया गया है। मूलधन कितना होता है, मूलधन आपको पता ही है 100% होता है, ब्याज आपको 6% मिला है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इन दोनों को मूलधन और मिश्रधन, सॉरी मूलधन और ब्याज को जोड़ने से आपका क्या आता है, मिश्रधन आता है। तो परसेंटेज में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 106% हो जाएगा। अब हम लोग अपने तरीके से करते हैं। आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी 1000 रुपया है, ठीक है। और ये क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन का परसेंटेज कितना है, 106%, जिसमें से 6% ब्याज है और 100% हमारा क्या है, मूलधन है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल आता है। जो निकालना होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना क्या है, उस मूलधन का पता लगाइए, यानी मूलधन निकालना है, और मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है 100%, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 106 नीचे है इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको 2 से कैंसिल करिए, 2×5=10 और 2×3=6 और यहाँ पर हो जाएगा 50। अब आगे बचा क्या, ये ऊपर 50 बचा है, यहाँ पर 1, 2, 3 0 और बचे हैं आपके, और नीचे आपका 53 बचा है, ठीक है। ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं इस पे आप ध्यान दिए रहिए। चलिए 50 का इसमें भाग करेंगे, 53 का इसमें भाग करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है अगर 10 बार करेंगे तो 530 हो जाएगा, यानी कि टोटल 9 बार जाएगा, क्लियर। तो 9 बार जाएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, 9 बार गया। तो हमने क्या किसमें पढ़ा है, 500 में 53 का भाग 9 बार दिया है, किसमें, 500 में। तो 9 बार अगर इसका गुणा करें, देखिए कितना होता है, इसमें 9 गुणा करके देख लेते हैं, 9×3=27 के साथ हासिल आएगा 2 और 9×5=45 2×47 यानी 477 होगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा, और फिर ये यहाँ से 1 0 बढ़ाएंगे तो 230 हो जाएगा।
अब आपको 53 में 230 का भाग देना है, तो 53 230 में जब 53 से आप 53 से भाग देंगे तो 5 × 20 यानी कि लगभग आपका 4 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब आपका 9 आया था, स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 9 आई थी, तो स्टार्टिंग में जब 9 आई थी तो ये और ये ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन बी हो सकता है और ऑप्शन सी आपका सही हो सकता है। तो ऑप्शन बी में 9 8 लिखा है, ऑप्शन सी में 9 4 लिखा है, तो आपने एक और संख्या का भाग दिया तो लगभग लगभग 4 बार जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 9 8 चाहिए और हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 4 आ रहा है। बाकी का आपको पूरा आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन मिल चुका है, और जब आपको ऑप्शन मिल गया तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा आंसर निकालना है, तो 53 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका पूरा आंसर आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, 23 नंबर पर। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, इसको हम आराम से लिखते जाएंगे, आप इसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इसमें मौखिक भी कर सकते हैं। ये जो आपका इबारत लिखी है, प्रश्न लिखा है, इसी में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर आराम से लिख देते हैं। मूलधन की गणना करिए, यानी कि मूलधन हमें निकालना है। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज का ही प्रश्न है, 4 वर्ष में 1200 रुपया यानी 1200 रुपया और 7 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। ये 1200 रुपया 1500 रुपया ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया, सॉरी ये आपका अमाउंट दिया गया है, यानी कि आपका मूलधन दिया गया है। ठीक है, अब अपने तरीके से करते हैं। 7 वर्ष में जो आपका मिश्रधन कितना हो रहा है, 7 वर्ष में आपका 1500 हो रहा है। 4 वर्ष में यानी 4 ईयर में आपका मिश्रधन कितना हो रहा है, 1200 रुपया हो रहा है। तो हम यहाँ पर अगर इसको घटा दें तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 3 ईयर में हमें कितना रुपया ज्यादा मिला, 3 साल में 7 में से 4 घटाएंगे 3 साल बचेगा, 3 साल में कितना रुपया ज्यादा मिला है, जो रुपया ज्यादा मिलता है वही हमारा ब्याज होता है। ठीक है, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो आपका 300 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 साल से 7 साल के बीच में कितना रुपया ज्यादा मिला है वो हम घटा के निकाल सकते हैं, घटाएंगे तो जो ज्यादा होता है रुपया वही हमारा ब्याज कहलाता है। यानी कि ये हमारा निकल आया 3 साल में हमें कितना ब्याज मिला है, 3 साल में अगर हमें 300 रुपया ब्याज मिला है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 3 आपस में भाग कर देंगे तो सीधी सी बात है 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, पहली वाली जो वैल्यू है इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 4 साल में 1200 रुपया हो जाता है, तो 1 साल में अगर हमें ब्याज 100 रुपया मिल रहा है तो 4 ईयर का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हो जाएगा 400 रुपया। 1 साल में 100 रुपया ब्याज तो 4 साल में 400 रुपया ब्याज, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 साल में 1200 रुपया हो जाता है, 1200 आपका मिश्रधन है, तो 1200 में से जो 4 साल में हमें ब्याज मिला है कितना ब्याज मिला है, 400 रुपया। मिश्रधन में से हमें क्या निकाल देते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट घटा देते हैं तो हमारा क्या निकला, ये मिश्रधन है जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। तो मिश्रधन में से जो हमें ब्याज मिलता है उसको घटा देते हैं तो हमारा मूलधन आ जाता है, मूलधन का आंसर कितना आ जाएगा, 800 रुपया आपका मूलधन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही साधारण तरीके से इस प्रश्न को किया गया है, कोई फार्मूला नहीं लगाया गया है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हुए घटाकर जोड़कर ही प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है। तो 1 साल का आप ब्याज निकाल लेंगे आपका 100 रुपया आएगा, तो 4 साल का ब्याज आपका 400 रुपया हो जाएगा, लेकिन 4 साल में मिश्रधन कितना होता है, 1200 रुपया होता है, तो मिश्रधन में से जो हमें ब्याज मिला है उसे घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा, मूलधन हमारा 800 रुपया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24 नंबर पर। 24 नंबर का प्रश्न भी सेम इसी टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक की दर पर 5 वर्ष और 6 वर्ष में परिपक्वता राशि, परिपक्वता राशि का मतलब ये आपका क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है। ये 5 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, ये 6 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है। ठीक है, तो मूलधन याद करिए, मूलधन यानी 100% की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, अपने पिछले वाले तरीके से ही कर लेते हैं। तो 6 ईयर तो 6 साल में कितना रुपया हो जाता है आपका, तो 6 साल में 1184 रुपया हो जाता है। ठीक है, और 5 ईयर तो 5 साल में कितना रुपया हो जाता है, 5 साल में आपका हो जाता है 1120 रुपया हो जाता है। तो हम यहाँ इसको अगर घटा दें तो हम ये निकाल सकते हैं 1 साल में कितना रुपया आपको ज़्यादा मिला
जो रुपया ज्यादा मिलता है वही हमारा ब्याज होता है। तो चलिए घटा देते हैं, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, तो एक साल में कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है, 64 रुपया आपको ज्यादा मिल रहा है। अब सिर्फ इस चीज पर ध्यान दीजिए, 5 साल में हमारा कितना रुपया हो जाता है, 1120 रुपया हो जाता है। सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए, 5 साल में आपका 1120 रुपया हो जाता है, यानी 5 साल में हमें कितना रुपया ज्यादा मिला ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 ईयर में यानी 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यानी आप एक साल का ब्याज निकाल चुके हैं 64 रुपया, 5 साल का ब्याज निकालने के लिए इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 20 यानी कि 2 बचेगा, 5 × 6 = 30 और 30 × 2 = 32, तो 320 रुपया आपको 5 साल का ब्याज मिलेगा। तो आप मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट कितना है 1120 रुपया है, उसमें जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कितना है आप निकाल चुके हैं 320 रुपया, इसको हम लोग घटा देते हैं तो हमारा क्या क्या निकल आएगा, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन निकल आता है। चलिए घटा दीजिए, यहाँ 0 बचा और 10 में से 3 जाए कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो 800 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, 800 रुपया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न में भी कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ साधारण तरीके से ही घटाकर और प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें आप फार्मूला लगाना चाहें तो फार्मूला भी लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मौखिक प्रश्न है, सिर्फ लिखने में ही इतना बड़ा लग रहा है, बाकी का आप बिना लिखे ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 3 वर्ष और 8 वर्ष के लिए 12% की दर से किसी राशि पर अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे। प्रश्न में एक बार फिर से पढ़ते हैं, 3 वर्ष के लिए और 8 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष और 8 वर्ष दोनों के लिए जो प्रतिशत आपको दिया गया है ये 12% दिया गया है, किसी राशि पर अर्जित ब्याज का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें इस परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, कैसे चलिए देखते हैं। पहले के लिए आप ब्याज निकालेंगे यानी 3 वर्ष के लिए और अनुपात का निशान लगाएंगे, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे आप यानी कि जो 8 वर्ष के लिए है, जब 3 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो समय का और दर का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 × 12% करेंगे, फिर अनुपात निशान लगाएंगे। दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरा वर्ष कितना है 8 वर्ष और आपका ब्याज की दर कितना है 12% ब्याज की दर है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्यों कहा था कि 12% से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपकी ब्याज की दर बराबर दी गई होगी दोनों कंडीशन में, दोनों वर्ष के लिए ब्याज की दर हमारी बराबर होगी, तो यहाँ से 12 और यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका सिर्फ 3 × 8 ही आंसर आएगा, क्लियर। तो पहले के लिए हमारा टोटल ब्याज होगा 3 और दूसरे के लिए हमारा टोटल ब्याज होगा 8, इन दोनों में अनुपात हमारा 3 × 8 रहेगा, तो हमारा आंसर 3 × 8 होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 3 × 8 नहीं है। अब ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला अनुपात हमारा 3 है, दूसरा अनुपात हमारा 8 है, यानी कि पहला अनुपात जो आंसर में होगा वो छोटा होगा, दूसरा अनुपात जो होगा वो 8 है वो बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका पहला अनुपात बड़ा है दूसरा अनुपात छोटा है, हमें चाहिए क्या, पहला अनुपात छोटा चाहिए दूसरा अनुपात बड़ा चाहिए, तो इस प्रकार ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा है, इसमें हमारा आंसर आ रहा है 1:2.33 और इसमें आ रहा है 1:2.67, ठीक है, इन दोनों में से कोई हमारा एक सही हो सकता है, यानी कि आपको पहली संख्या 1:1 के रूप में बनाना है। तो 3/8 को पहली संख्या अगर 1:1 के रूप में बनाना है तो इन दोनों संख्याओं में 3 का भाग कर दीजिए, ठीक है, भाग हम लोग यहाँ कर लेते हैं। दोनों संख्याओं में हमने 3 का भाग इसलिए किया है क्योंकि पहला अनुपात हमारा 1 हो जाए, तो 1:1 बनाने के लिए 3 × 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, अनुपात 3/6 8 में भाग करिए तो 3×2 = 6 और आपका कितना, सॉरी 3×2 = 6 2 बचेगा हो जाएगा 20 और 3×6 = 18 3×6 = 18 फिर 3×6 = 18 और ये 7 ये 6 5 से बड़ी संख्या है, तो इसको जब यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो 1:2.67 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1:2.67 ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। तो 1:1 के रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, छोटी संख्या जो होगी 3 से दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, आगे से जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले उसमें दोनों ब्याज की दर बराबर दी गई हो तो इस ब्याज की दर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें इस समय से ही मतलब होता है, ठीक है। तो समय का अनुपात यानी जो आपका वर्ष दिया गया है उन वर्षों का अनुपात आप निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन पर, ये प्रश्न सेम उसी टाइप का प्रश्न है इसलिए इसको हम लोग जल्दी से निपटाते हैं। रीता 4 वर्ष में 2.5% की ब्याज की राशि पर निवेश किया,
सीता ने 6 वर्ष के लिए इसी दर पर समान राशि का निवेश किया। अब इसमें गलती क्या होगा, कुछ लोग रीता को पहले लिख लेंगे, कुछ लोग सीता को बाद में लिखेंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है, सीता द्वारा अर्जित ब्याज रीता द्वारा अर्जित ब्याज के अनुपात क्या है, यानी कि पहले आपको सीता का लिखना है, ठीक है, और फिर अनुपात रीता का लिखना है। और क्योंकि आपका रीता का पहले दिया है, इसलिए बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि प्रश्न बहुत ही आसान है, रीता का पहले लिखो सीता का बाद में लिखो। अब दोनों के लिए यहाँ पर ब्याज की दर बराबर है, इसलिए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये चीज हम पीछे वाले प्रश्न में समझा चुके हैं। यानी सीता को कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 6 वर्ष के लिए दिया जाता है, और रीता को कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। इन दोनों में अनुपात निकालने के लिए 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, 3:2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो अगर इस प्रश्न को जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे, रीता का आपने पहले लिख दिया, तो आपका आंसर आने लगेगा 2:3 आने लगेगा, और वहीं पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से पढ़ लेना है पहले प्रश्न को कि आखिरी वाली लाइन में प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो सीता का पहले पूछ रहा है, यानी सीता का पहले लिखना है, तो हमारा आंसर सही आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन पर, ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। राहुल ने एक्स रुपए 3 वर्ष के लिए वाई प्रतिशत ब्याज की दर पर निवेश किया, श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया, राहुल द्वारा अर्जित ब्याज, यानी सबसे पहले राहुल निकालना है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, तो इस ब्याज की दर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पीछे समझा चुके हैं। तो राहुल का जितना वर्ष होगा उसको पहले लिखेंगे, तो राहुल का वर्ष कितना है यहीं पर लिख देते हैं, 3 वर्ष है, अनुपात श्याम का बाद में लिखना है, श्याम द्वारा अर्जित ब्याज का अनुपात कितना है, श्याम का बाद में लिखना है, तो 3:12 आपको 12 लिख देना है, इसको 3 से भाग कर देंगे तो 1:4 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मौखिक प्रश्न है, इसमें आपको तो पेन भी यूज नहीं करना था, तो 1:4 आपका बिल्कुल सही रहेगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन पर, अगला हमारा प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यही हमें निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्न साधारण ब्याज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके 5 अप्रैल, 19 अप्रैल और 21 अप्रैल को 2016 को आ चुका है, और 18 अप्रैल, यानी यही प्रश्न आपके 4 बार आ चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जब आपका मूलधन नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता हो, तो वहां आप 100 रुपया हमेशा मूलधन को मान लीजिए। अब जो प्रश्न में लिखा गया उसी हिसाब से करते जाइए। क्या कह रहा है, एक धनराशि यानी कि हमने 100 रुपया माना है, साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुना का मतलब होता है ये जो आपका 100 रुपया है ये कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। कितने वर्ष में होता है, 10 वर्ष में होता है, 10 ईयर में होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमें ब्याज कितना मिला है, 100 रुपया हमारा 300 रुपया हो गया है, यानी कि ब्याज कितना मिला, ब्याज आपका 200 रुपया आपको ब्याज मिला है, यही इसका मतलब हुआ। अब आपको जब वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल नए तरीके से कर रहे हैं, अगर आपको उसका दूसरा तरीका पता है या बिल्कुल फार्मूला लगा कर भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नए तरीके में यही है कि आप मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे, मूलधन कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी 300 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज आपको कितना मिला, ब्याज आपको 200 रुपया मिला है, 100 रुपया आपका 300 रुपया हो गया, तो ब्याज आपका 200 रुपया मिला है, और कितना वर्ष लगा है, 10 वर्ष लगा है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर की वैल्यू निकालना होता है, तो आप क्या करिए, इस ब्याज में हमेशा समय का भाग कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कहीं समय निकालना हो, तो समय निकालना हो तो क्या करेंगे, जो ब्याज निकल के आया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर का भाग कर देंगे। तो ये 2 फार्मूले आप याद रखिएगा, समय निकालना हो तो ब्याज में दर का भाग करना है, और दर निकालना हो तो ब्याज में समय का भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, तो दर में हमें क्या निकाल करना पड़ेगा, तो ब्याज कितना है, 200 रुपया, इसमें समय का भाग करना पड़ेगा, समय कितना है, 10 वर्ष, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना जाएगा, आपका आंसर 20% आंसर आ जाएगा, 20% आपका आंसर रहेगा, 20% ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बिल्कुल नए तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर, 29 नंबर का प्रश्न भी इसी प्रकार का, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, इसको भी हम लोग अपने तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कोई निश्चित धनराशि है वो 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो जो निश्चित धनराशि है उसको हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं।
कहां लिखे, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो हमने मूलधन को 100 रुपया मान लिया है, ये कितना हो जाता है, ये 100 का 3 गुना हो जाता है, यानी कि 300 रुपया हो जाता है। कितना वर्ष में, 8 वर्ष में, यानी 8 साल का टाइम आपको लगता है। तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, यहां से देख लीजिए, ब्याज आपको 200 रुपया मिल रहा है। ये 200 रुपया क्या है, आपका ब्याज है। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो इसको हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी राशि का यानी 100 रुपए का ही 5 गुना होना है, यानी कितना होना है, 500 रुपया होना है। कितना समय लगेगा, ये ईयर, यहां पर जो हम ईयर लिख रहे हैं, वर्ष लिख रहे हैं, वही तो हमें निकालना है। अब यहां पर हम देख लेते हैं हमें ब्याज कितना मिला। तो अगर 100 रुपया 500 रुपया हो जाएगा तो ब्याज कितना मिलेगा हमें, ब्याज हमें 400 रुपया मिलेगा। ये 400 रुपया क्या है, ब्याज है। तो ऐसे प्रश्नों को मौखिक ही करना है, कोई कॉन्सेप्ट या कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, क्लियर। अब देखिए, जो हमारा समय का रिलेशन होता है, यहां पर भी आपका समय दिया गया है, यहां पर भी आपका समय लिखा गया है, वही हमारा ब्याज का रिलेशन होता है। तो ब्याज में देखिए क्या हो रहा है, ब्याज आपका कैसा हो रहा है, यहाँ 200 रुपए से यहाँ 400 रुपया हो रहा है, यानी ब्याज डबल हो रहा है ना, ब्याज दोगुना हो रहा है। फिर से याद रखिए, जो आपका ब्याज में रिलेशन होगा, जो ब्याज का रिलेशन होगा, वही आपका समय का रिलेशन होगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो जो ब्याज में संबंध होगा, वही समय का संबंध होता है। तो ब्याज आपका कैसा हो रहा है, दोगुना हो रहा है, 200 रुपए से 400 दोगुना हो रहा है, तो समय भी आपका दोगुना हो जाएगा। तो 8 का दोगुना करेंगे तो यहाँ कितना साल रहेगा, 16 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने इसी वाले कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, जो ब्याज का रिलेशन होता है वही समय का रिलेशन होता है। तो ब्याज आपका दोगुना होगा, समय भी आपका दोगुना हो जाएगा, 8 वर्ष से समय कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 30 नंबर प्रश्न पर। ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है, इसलिए इसको जल्दी से करते हैं हम लोग। एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो धनराशि को हम लोग 100 रुपया मान लेते हैं, 10 वर्ष का टाइम लगेगा और दोगुना हो जाएगा, यानी 200 रुपया हो जाएगा। तो समय कितना लग रहा है, 10 वर्ष का समय लग रहा है। अब जब दोगुना हो गया तो ब्याज हमें कितना मिला, यहां से हमें दिख रहा है 100 रुपया आपका 200 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला है आपको, ब्याज आपका 100 रुपया मिला है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की उसी दर पर वह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी कि वही धनराशि मतलब वही 100 रुपया 20 वर्षों में, 20 ईयर में कितना हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो हमारा अभी हमने बताया है कि जो समय का रिलेशन होता है वही ब्याज का रिलेशन होता है, क्लियर। तो अगर हमारा समय देखिए 10 वर्ष, यहाँ 20 वर्ष हो गया, दोगुना हो रहा है, तो ब्याज भी हमारा दोगुना हो जाएगा। तो ब्याज यहाँ अगर 100 रुपया मिल रहा है, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ आपका 200 रुपया ब्याज मिलेगा। जब समय दोगुना हो रहा है तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पर निकाल लीजिए, 100 रुपये में 100 रुपया आपका मूलधन था, 200 रुपये हमें ब्याज मिला, तो टोटल हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, टोटल हमारा मिश्रधन 300 रुपया हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर रहेगा। ब्याज कितना हो रहा है, 100 रुपये का 300, यानी 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना होने के लिए 3P हमारा आंसर रहेगा। ये पी क्या है, मूलधन, ठीक है, मूलधन का 3 गुना। इसका मतलब क्या होता है, पी का मतलब मूलधन। तो मूलधन का 3 गुना हमारा आंसर होना चाहिए। मूलधन हमारा 100 रुपया था, 100 का हमारा 3 गुना, यानी 300 हो रहा है, 300 तो हमारा 3 गुना ही हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न में बहुत ही साधारण तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, जिसमें जो समय का रिलेशन होता है वही हमारा ब्याज का रिलेशन होता है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो किया गया है। आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले वीडियो में लगाएंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल का सपोर्ट करते रहिएगा। आगे मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।